सरकारी चक रोड पर जबरन कब्जा कर रहा सपा नेता। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां थाना डिडोली जोया के गांव में समाजवादी पार्टी के दबंग भूमाफिया ने सरकारी चक्रोड पर कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत पीड़ित किसानों ने आज जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अमरोहा से की है। यह तस्वीरें हैं यूपी के अमरोहा जनपद के थाना डिडोली की, जहां संभल चौराहे पर सरकारी चक्रोड गाटा संख्या 960 पर दबंग सपा नेता कब्जा कर रहा है, जिसकी शिकायत को लेकर गाँव पलोला के किसान जिशान अली भूरे व अन्य किसानों ने जिलाधिकारी बी के त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक पूनम को एक प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। इन सब किसानों का कहना है कि सरकारी चक्रोड पर भूमाफिया व दबंग सपा नेता मुंशाद अली ने कब्जा कर दीवार खड़ी कर दी, जबकि पटवारी हाल ही में हदबंदी कराया गया, लेकिन दबंग नेता नहीं मान रहा। वही दूसरी तरफ इस रास्ते से सैकड़ों किसान खेतों के लिए जाते हैं। इसी की शिकायत जीशान ने 31 अगस्त को भी एडीएम से की थी, जिससे दबंग भूमाफिया चिढ़ गया और उसका रास्ता रोककर प्रार्थना पत्र वापस लेने की धमकी देने लगा। 14 सितंबर की सुबह भी जीशान रास्ते से जा रहा था, बीच रास्ते में दबंग सपा नेता ने उसका रास्ता रोका और उस पर तमंचा तान दिया, लेकिन रास्ते में चल रहे राहगीरों ने उसको बचा लिया और वह धमकी देते हुए वहां से निकल गया। वैसे तो प्रदेश की योगी सरकार में गुंडे माफिया या तो जेलों में हैं या फिर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, परंतु मौजूदा जिला पंचायत सदस्य व सपा नेता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी दबंगई के चलते रास्ते पर कब्जा करने पर लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अभय केसरी। क्या नाम है आपका? भोरे नाम है। परेशानी क्या है? सब परेशानी है, जमीन न जुत रही, 8 फीट का रास्ता है, संपत्ति जो साहब ने छीन ली है, छीन ली, ट्रैक्टर लेकरने के लिए तैयारी नहीं है और मौके पर जो है 8 फीट है, 12 फीट का रास्ता है, माफिया आदमी है, समाजवादी का नेता है, और हमने तहसीलदार के पास भी दी और हमने डीएसडीएम साहब के पास भी दी, डीएम साहब के यहाँ भी दी, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। समाजवादी का नेता है साहब, रास्तों में रास्ते रोक रोक के धमकाया जा रहा है और नकलों भी दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशान अली। क्या परेशानी है? परेशानी यह है कि सरकारी रास्ता है 12 फीट का चक्रोड, मुंशाद अली ने जो है उसको कब्जा कर रखा है और लोगों को जो है 20-25 किसान है उधर के, उन्हें आने जाने में कोई ट्रैक्टर नहीं निकल गया, सबकी जुताइयाँ पड़ी। हमने एक एप्लीकेशन जो है डीएम साहब के यहाँ भी लगाई पहले, आज फिर लगाई, कोई हमारी सुनवाई अभी नहीं हुई। तहसीलदार साहब के यहाँ भी हम कई बार चले गए, आज एसडीएम साहब से भी हमारी बात हुई है, एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है, रात हमें रोक लिया था और रात हमें जो कहते हैं रोक लिया था, दबंग लोग हैं कि अपनी एप्लीकेशन वापस लो, भूमाफिया नेता है। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।